का पुलिस ने आज तीन शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें ये लक्ष्मण नामकारी और विजय कुमार नागार्जुना, लक्ष्मण ने उन सेल्समैन कर रहा था और उनके कब्जे से 5 लाख का ये वर्थ ऑफ ये गोवा गुटका, सागर गुटका और जो भी अपने तबीयत के ख़राब होने की चीज़ है, जो अपने तेलंगाना रियासत ने गुटके को बैन किया था, वही आइटम्स यहाँ पे इनके पास से जब्त किया गया है। और मज़ीद तहकीक़ात के लिए लोगों तीनों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। ये लोगों को मालूम होने के बाद अपने को मालूम हुआ कि एक वेणुगोपाल रेड्डी बोल के एक नामकारी शख्स ने एक डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा था, उसने निज़ामाबाद में है बोल के मालूम हुआ उसके लिए, और हम एक टीम को फॉर्म करके उसको भी अनकरीब में अप्रहण करेंगे। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये लोग अपना लक्ष्मण सेल्समैन था, वो अपने ट्रैली में डाल के नाचाराम से लेके अपने इधर कोटेदौन और शमशाबाद और रूट पे उसको डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। और नागार्जुना और विजय कुमार ये दोनों के पास किराना शॉप है, वो लोग बेच रहे थे। ये अपने लक्ष्मण के इंक्वायरी करने के बाद हमको मालूम हुआ कि नागार्जुना किराना शॉप चला रहा था और विजय कुमार किराना शॉप चला रहा था मल्लापुर अपने नाचार उपल के पास, और दोनों को भी अपने गिरफ्तार कर लिए हैं। और लक्ष्मण बोलने पर वो लोगों से उन लोगों के कब्जे में अपने गोवा गुटका, सागर गुटका और जो भी बुलबुल का कौन सा है ब्लू बुल के उनके और टोबाको आइटम जो भी है, वो इंसान के और तबीयत के लिए और हेल्थ के लिए जो हजार्डस कैंसर आने के लिए है, उन लोगों को पूरा जब्त कर लिया है।